हमारी पृथ्वी बहुत से खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है, ऐसे रहस्य जिसे कोई आज तक सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में जो बहुत ही अद्भुत है और देखने में हकीकत नहीं बल्कि एक सपना लगती है। और अगर आप भी इन अनोखी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ को देख पाएं। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में नंबर 5 पर है ड्रैगन ब्लड ट्री। दोस्तों, वैसे तो आपने कई बार सुना होगा कि पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि पृथ्वी पर पेड़ों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिनको काटने पर उनमें से खून निकलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनने में चाहे अजीब सी लगे पर यह सच है। इस प्रजाति के पेड़ यमन देश के सुकोत्रा शहर में पाए जाते हैं और इन पेड़ों को ड्रैगन ब्लड ट्री बोला जाता है। और जब भी कोई इंसान इन ड्रैगन ब्लड ट्री को काटता है तो इनमें से खून निकलने लगता है। और यह पेड़ लगभग 650 साल पुराने हैं और इनकी हाइट 10 से 12 मीटर होती है। यह पेड़ 10 साल में सिर्फ 1 मीटर हाइट जितना ही बढ़ते हैं। हजारों की संख्या में टूरिस्ट हर साल इन्हें देखने के लिए यमन आते हैं। और माना जाता है कि यह पेड़ जादुई पेड़ है क्योंकि इनके खून से मानव शरीर के खून में पाए जाने वाली बीमारियों का इलाज होता है। नंबर 4 पर है लेक हिलर। यह लेक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहा जाता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसका रंग गुलाबी है। यह झील ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इस झील का नाम है लेक हिलर। और यह गुलाबी रंग इस लेक में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस लेक में मौजूद नमक की मदद से एक रेड डाई बनाते हैं जिसके कारण यह लेक खूबसूरत गुलाबी रंग की दिखाई देती है। और अगर आप चाहें तो इस लेक में तैर भी सकते हैं। इस लेक को पिंक लेक या सलाइन लेक भी बोला जाता है। और नंबर 3 पर आती है बर्फ़ की गुफा। जी हाँ दोस्तों, आइस केव जो कि आइसलैंड में पाई जाती है और यह गुफा पूरी तरह से बर्फ़ की बनी हुई है। यह बर्फ़ की गुफा 320 फीट से ज़्यादा लंबी है। यह जगह इतनी ठंडी है कि कोई भी इंसान यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। यह बर्फ़ की गुफा कभी सफ़ेद तो कभी नीले रंग की दिखाई देती है जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। हर साल हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट इस आइस केव को देखने आते हैं। और नंबर 2 पर है टर्कोइज आइस लेक। यह लेक दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह लेक रूस में स्थित साइबेरिया में पाई जाती है। इसके अनोखेपन की वजह से इसको पर्ल ऑफ रशिया का टाइटल भी दिया गया है। इस लेक का निर्माण 25 मिलियन साल पहले हुआ था। यह लेक इतनी साफ है कि जब सर्दियों में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है तो आप 130 फीट की गहराई तक इस लेक में देख सकते हैं। सर्दियों में हजारों की संख्या में लोग यहाँ आइस स्केटिंग और इस लेक की खूबसूरती देखने को आते हैं। और नंबर 1 पर है नरक का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, यह डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। यह 230 फीट का एक गड्ढा है और इसमें 1971 से लेकर अब तक लगातार आग जल रही है। इस गड्ढे के निर्माण की स्टोरी भी बहुत अजीब है। यह गड्ढा तुर्कमेनिस्तान में एक डेजर्टेड एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक यहाँ तेल और गैस की खोज करने आए थे और उन्होंने ड्रिलिंग करने के लिए इस जगह को चुना। और इस जगह में कुछ देर ड्रिलिंग करते ही यह जगह पूरी तरह से एकदम ढह गई और यहाँ 230 फुट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया और इसमें से बहुत सारी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। और वैज्ञानिकों के पास इसे रोकने के लिए दो ही ऑप्शन थे, या तो इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए या तो इसमें आग लगा दी जाए। और वैज्ञानिकों ने दूसरा ऑप्शन चुना और इसमें आग लगा दी और तब से लेकर अब तक यह आग ऐसे ही चल रही है ना कमाल की बात। और आप इनमें से कौन सी जगह देखना पसंद करोगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।